सिक्कावदं स्मादियामि बुद्धं शरणं गच्छामि। भारतीय रक्षाबंधन या रखड़ी या राखी या सनूने, ये जो सावन का पूर्णमासी जब भी साल में आता है, हमारे घर में एक चर्चा लेके आता था। दरअसल जो मेरी बड़ी बहनें थी वो कहती थी, ओ तू करेगा हमारी रक्षा। तो उनका एक व्यंग होता था और वो हंसती थी काफी, क्योंकि मैं छोटा था और वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। तो जाहिर सी बात है, मैं उनकी क्या रक्षा करूंगा और क्या नहीं करूंगा, मगर इस बात पर सेंटेंस में बहुत सारी बातें छुपी रहती थी। दरअसल अगर आप ध्यान देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर भारत की ही महिलाएं कमजोर हैं जिनको रक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, या जिनको शेल्टर चाहिए या जिनको प्रोटेक्शन चाहिए। बाकी दुनिया में जितनी महिलाएं हैं, जितनी बहनें हैं, उनको किसी को सुरक्षा नहीं चाहिए। वो सब बड़ी मजबूत हैं, उनका आत्मबल बड़ा अच्छा है, और इसराइल के अंदर तो सारी महिलाओं को सेना की ट्रेनिंग भी मिलती है, तो वो तो किसी आर्मी से वैसे भी कम नहीं है। और यूरोप की सारी महिलाएं सब कुंग फू की या कराटे की या सेल्फ आत्मविश्वास की या पढ़ाई की या लिखाई की पूरी तरह से मुस्तैद होती हैं। वो तो अच्छे अच्छे आदमी की रक्षा कर दें, उनकी रक्षा कौन करेगा। तो ये बात हमारे घर में चर्चा का विषय रहती थी, क्योंकि रक्षाबंधन तो हमारे यहाँ होता नहीं था। मगर चूंकि उस दिन सारे काम धाम बंद रहते थे, सारी हमारी दुकानें बंद रह जाती थी और घर में रहते थे, कुछ जगह मैंने देखा कि रक्षाबंधन के नाम पे लोग इकट्ठे होकर जुआ वगैरह खेलते रहते थे, शराब वगैरह पीते रहते थे। छुट्टी का दिन होता था, माहौल बढ़िया होता था, तो लोग अपना रंग रलियां मनाते रहते थे। मगर ये चर्चा हर साल हमारे होती रहती थी कि महिलाएं भारत में मानसिक रूप से हर साल इतनी कमजोर क्यों की जाती हैं कि हर साल उनको रक्षा का एक एग्रीमेंट, सुरक्षा का एक एग्रीमेंट, प्रोटेक्शन का एक एग्रीमेंट या एक उनसे समझौता होता है। यानी कि एक धागा बांधा तो एक एग्रीमेंट हो गया, भाई तुम मेरी रक्षा करना, मैं बहुत कमजोर हूं। तो हर साल ये जो एक एग्रीमेंट होता है, खास तौर से बहन और भाई के बीच में जो एग्रीमेंट या करार या एक दस्तावेज या एक समझौता होता है कि भाई तुम मेरी रक्षा करना, मैं बहुत कमजोर हूं, तुम्हारी रक्षा के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। और ये सारा का सारा करार और एग्रीमेंट और दस्तावेज सब भारत के कुछ ही लोगों में होता है, ये बाकी लोग नहीं करते। भारत में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस करार को या एग्रीमेंट को मानते हों, या सभी ये मानते हों कि उनकी जो महिला में खासतौर से जो बहनें हैं वो कमजोर हैं। इसके अलावा ये एग्रीमेंट माँ के लिए नहीं है, जो प्रेमिका है उसके लिए नहीं है, जो दादी है उसके लिए नहीं है, जो आपकी पत्नी है उसके लिए नहीं है, जो आपकी सहायक कर्मचारी है महिला है उसके लिए नहीं है। यानी कि ये सिर्फ बहन के लिए है, और एग्रीमेंट वन साइडेड है, यानी कि आज जो भाई है वही रक्षा करेगा, और चाहे भाई 2 साल का है या 200 साल का है उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे बहन 100 साल की है, चाहे बहन 1 महीने की है, बहन की रक्षा चाहे वो कितनी बड़ी है वो छोटा सा भाई भी करेगा। ये अनुबंध का करार का एक हिस्सा है जो हमारे घर में चर्चा का और हंसी का विषय बनता था। अरे मैं छोटा था, दरअसल मेरी बहनें बड़ी थीं, वो मेरा स्कूल में एडमिशन करा के आईं, मास्टर के साथ कई बार वो झगड़ के लड़के आईं, कई बार उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन की, कई एक बार मैं झूले से गिर गया उन्होंने मुझे उठा के वो हॉस्पिटल ले गई, दवा दारू मेरी करती थी, हमको डेंगू हुआ तो मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन सारी मिलके सारा हमें ध्यान रखती थी पूरे परिवार का, यहाँ तक कि मेरे फादर को भी डेंगू हुआ, बड़े भाई को भी डेंगू हुआ, उनकी भी सेवा उन्होंने की, उनकी भी प्रोटेक्शन उन्होंने की। तो वो हंसती थी हमारे ऊपर, कहती थी तू करेगा हमारी सेवा, तू करेगा हमारी रक्षा। क्योंकि हमारे घर में माहौल बड़ा ओपन था और चर्चा का था, और सारा का सारा जितना भी था वो बुद्ध की जितनी फिलॉसफी थी, क्योंकि मेरे फादर बुद्ध की फिलॉसफी को बहुत पहले से अडॉप्ट कर चुके थे, जानते थे, और ये भी समझ में आ गया उनको कि बहुत पहले से हम इस फिलॉसफी पर चलते हैं और वो सब सिमिलर है, वो सब मिलता है। तो हम भी हंसते थे कि ये क्या मजाक है और ये क्या चल रहा है, घर की बात घर में रहती थी। अब चूंकि ये फेस्टिवल आ रहा है तो मैं लगा कि एक चर्चा जितनी भी हमारी बहनें हैं उनके साथ में हो जाए जो भारतीय हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिस्टम नहीं है, भारत के कुछ लोगों में है, भारत के सब लोगों में भी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो भारत में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, सभी इस कल्चर को, सभी इस एग्रीमेंट को, सभी इस दस्तावेज को, सभी इस करार को नहीं मानते। और एक करार में सिर्फ एक ही दिन रक्षा लिखी हुई है,
आपने सिर्फ एक खास दिन हमारी रक्षा करनी है, और रक्षा के करार के बावजूद भी वो कौन से भाई हैं जो बहनों की हत्याएं कर रहे हैं, जो बहनों से दहेज ले रहे हैं, जो बहनों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो बहन के पैदा होते ही उसको एक चम्मच नमक उसके मुंह में डाल के उसकी हत्या कर देते हैं, वो कौन से भाई हैं जो बहन पैदा होती है तो रोना शुरू कर देते हैं, वो परिवार रोना शुरू कर देते हैं, वो कौन से भाई हैं जो बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, बहनों की हत्याएं कर रहे हैं, वो कौन से भाई हैं जो बहनों को संसद में बराबर का अधिकार आज तक नहीं दे रहे हैं, ना बराबर की सीटें देते हैं, वो कौन से भाई हैं जो उनको कहते हैं कि ये काम तेरे बस का नहीं है, ये काम औरतों का है, ये काम आदमियों का, जिन्होंने काम बांट दिए वो कौन से भाई हैं। दरअसल यहां पता नहीं चल पाता कि जो एग्रीमेंट कर रहा है साइन, जो दस्तावेज में साइन कर रहा है, करार में साइन कर रहा है, जो रक्षाबंधन का जो धागा है, जो सूत है, उसको बांध रहा है, क्या वही भाई है जो बहनों के अधिकार को दबा रहा है, जो बहनों को कहता है कि तुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, तेरा काम सिर्फ खाना बनाने का है, तेरा काम पढ़ने का नहीं है, या तेरा काम ये जो काम है ये मर्दों का है या आदमियों का है, ये तुझे नहीं करना है। भाई सारी दुनिया में तो जो आधी आबादी है वो कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, भारत में स्थिति क्यों खराब है? अगर ऐसी बात होती तो पूरी दुनिया में ये एग्रीमेंट होता कि भाई सारे जो भाई हैं वो बहनों की रक्षा करेंगे, मगर बाकी दुनिया में महिलाएं और पुरुष कंधा मिला के काम कर रही हैं, वो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सेना में अफसर भी हैं, वो जहाज भी उड़ा रही हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो दुकान भी चला रही हैं, वो ऑटो मोबाइल भी चला रही हैं, रिक्शा भी चला रही हैं, कुंफू कराटे भी हैं, सेना, मतलब वो काम जो सारा एक मनुष्य कर सकता है वो सारे वो काम कर रही हैं, और उससे भी ज़्यादा उनके पास एक काम होता है कि वो भाई की उत्पत्ति भी करती हैं, यानी भाई जो पैदा होता है वो बहन के किसी ना किसी बहन के पेट से ही पैदा होता है, जो मर्द पैदा होता है, जो आदमी पैदा होता है, क्योंकि आदमी को मनुष्य पैदा करने की ताकत नहीं है, वो महिला के अंदर ही है। तो एक हाथ और आगे हैं, जब एक हाथ और आगे हैं तो फिर सारा का सारा एग्रीमेंट किस तरह से, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये इतना बेकार सा एग्रीमेंट चल कैसे रहा है? क्योंकि हर साल आप जब महिला को ये कहते हैं कि देख हम तुझसे करार एग्रीमेंट करते हैं, हम तेरी रक्षा करेंगे, तो साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि तू कमजोर है, उसके मन में बचपन से ये बात डाली जाती है कि तू कमजोर है, उसको मन में बचपन से ये बात डाली जाती है, तू मोटरसाइकिल नहीं चला सकती है, तू साइकिल नहीं चला सकती है, तू कार नहीं चला सकती है, तू जहाज नहीं चला सकती है, तू ये काम नहीं कर सकती है, तू ये काम नहीं कर सकती है, ये बात बचपन से कौन डाल रहा है? क्योंकि भारत में जो पुरानी संस्कृति है, जो भारत का पुराना इतिहास है, उसमें मात प्रधान यानी कि महिला प्रधान घर रहे हैं, कुल माताएं होती थी, कुल पिता का कोई जिक्र नहीं है, भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसमें कुल माता का जिक्र है, जैसे महामाया थी या जो प्रजापति गौतमी थी, ये कुल माताएं थी, कुल पिता नहीं थे शुद्धोधन, यानी कि कुल पिता का जिक्र नहीं है। घर में जो व्यवस्था चलती थी सारी की सारी वो माता ही चलाती थी, और माता सारे काम करती थी, जंगल के भी, बाहर के भी, इधर के भी, उधर के भी, 24 घंटे काम करती थी, एक पुरुष से 3 गुना ज्यादा काम। तो काम तो आज भी वो ज्यादा कर रही है, बल्कि पुरुष से 5 गुना काम कर रही है, सुबह उठती है 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगी रहती है, अगर वो नौकरी करती है तो भी, और नहीं करती है तो भी, मगर फिर भी हर साल उसको एक एहसास करा देते हैं कि तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू कमजोर है। अरे गुलाम बना रहे हो क्या उसको बार बार ये कह के कि तू कमजोर है, कमजोर है? कभी ये कहो ना कि तू बलवान है, तू शक्तिशाली है, तू 5 आदमियों का काम अकेले करती है, तू घर का सफाई वाली भी है, तू घर का कुक भी है, तू घर का सिक्योरिटी गार्ड भी है, तू घर का मैनेजर भी है, तू घर का टीचर बच्चों को पढ़ाने वाला भी है, तू घर का प्रोटेक्शन भी है, तू घर का मैनेजर भी है। कभी ये एहसास उसको कराओ कि तू हमसे कितना ज्यादा बड़ी है, या जो ये सत्ता जो आपकी मानसिकता है दिमाग के अंदर है, ये देश को हमेशा कमजोरी करती रहेगी। अपनी ही नारी को अगर कमजोर होने का एहसास कराओगे तो अपनी आधी आबादी को कमजोर कर दोगे, और जब अपनी आधी आबादी को कमजोर घोषित कर दोगे तो जीतोगे किससे? नेपाल जैसा देश भी चाटा मार के निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। चीन और अमरीका के तो सपने भी छोड़ देना, क्योंकि वहां औरतें बहुत ज्यादा काम करती हैं, और नेपाल में भी औरतें ज्यादा काम करती हैं, तो कैसे जीतोगे, कैसे लड़ोगे? इसलिए इस एग्रीमेंट को डबल एग्रीमेंट बनाओ, अगर ये बनाना है, तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरी रक्षा करूं, तो बात समझ में आती है। और खाली मैं तेरी रक्षा करूं और तू कमजोर है और तू ऐसे ही बनी रहे, तो आप अपनी स्त्रियों के दिमाग में हर समय ये बात डालते हैं कि तू कमजोर है
और कमजोर जब जिसके बात में दिमाग में आ जाती है उसको उठने में, उसको बलवान होने में बड़ा टाइम लगता है। बचपन से ही एक धागा बांध के 20-50 रुपए उसके हाथ में दे के, एक बर्फी का पीस दे के या कोई गिफ्ट दे के कितना बड़ा अन्याय किया जाता है उसके साथ में, कि उसके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि तू कमजोर है और हम तेरी रक्षा करेंगे। भाई बहन का प्यार तो समझ में आता है, भाई बहन का प्यार ये कहता है कि देख भाई मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ये मैंने तुझे धागा बांधा प्यार का, और जो बहन है और जो भाई है वो कहे कि मैं भी तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ले मैंने तेरे दो धागे बांधे, तूने एक बांधा मैं डबल बांधता हूँ। ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है कि बहन अगर भाई के लिए एक टाइम खाना बनाए और भाई उसके लिए दो टाइम खाना बनाए तो समझ में आता है कि प्यार है। मगर बहन को ये कहते रहे कि सारी जिम्मेदारी तेरी है और तू कमजोर भी है और तू ऐसी भी है, तो ये भारत को सीधे सीधे रूप से कमजोर करने वाली एक कहानी है, एक एग्रीमेंट है। जिसने भी ये बनाया है वो भारत की महिलाओं का कोई बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं है, और मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो वो भारत का तो दुश्मन है ही, क्योंकि हमारी भारत की नारियों के दिमाग में ये बात डाल रहा है साल दर साल कि तुम कमजोर हो, तुम्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तुम्हें रक्षा की आवश्यकता है। सोचिए इसके बारे में, क्योंकि मेरे घर में तो ये 50 और 40 साल से लगातार सोचा जा रहा है, बताया जा रहा है। सोचा आपको भी मैं बता दूं जो मेरे घर के हालात रहे हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद।
शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि।